हरि ओम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैंने एक कॉम्प्रिहेंशन लिखा है, ओके, आप लोगों के लिए मैंने एक कॉम्प्रिहेंशन लिखा है। बहुत इजी है, बहुत इजी, छोटा सा, और उसका आंसर भी इतने इजी आएगा। देखो, पहले मैंने एक कॉम्प्रिहेंशन लिखा दूँ, उसके बाद उसका आंसर लिख के फिर न्यूमरेशन चालू कर दूँगी। क्वेश्चन क्या है? वन नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द school? Where is the school?
और मेन मार्केट नादिया, आप लोगों को मालूम है नादिया गुजरात में ही है। नादिया ऑल ग्रोसरी आइटम अवेलेबल गया, ऑल ग्रोसरी आइटम हम लोग हरियाणा लेते हैं ना, वो सब ग्रोसरी आइटम यहाँ पे मिलता है। टाइम उसके टाइम क्या है, 10 AM to 9 PM, 10 बजे से रात को 9 बजे, सुबह 10 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक खुला रहता है। और कौन से डे में, मंडे टू सैटरडे हैं और संडे क्लोज होता है। तो यहाँ देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टोर, स्टोर का नाम क्या है, आप लोग को देखने में इजी पड़ रहा है, वन नंबर आंसर दीजिएगा। सेना प्रोविजन स्टोर है, स्टोर का नाम क्या है, सेना प्रोविजन स्टोर। तो यहाँ देखिए आप आंसर लिख सकते हो, मैं टू नंबर लिखा गया किस द स्टोर, स्टोर कहाँ पे है, मगर कहाँ पर, मेन मार्केट है कहाँ, नाडिया, मेन मार्केट नाडिया, ये टू नंबर आंसर। व्हाट डज इट से, यहाँ पे क्या क्या सेल होता है, ऑल ग्रोसरी आइटम से भी होता है, ऑल ग्रोसरी आइटम, ये थ्री नंबर आंसर। व्हाट इज द शॉप ओपन, कितने बजे ओपन होता है, देखो टाइम 10 AM to 9 PM मंडे टू सैटरडे, ये फोर नंबर। वेयर इज द शॉप क्लोज, क्लोज कब होता है, ओनली संडे। तो हम लाइन में इसका आंसर क्लियरली दिया गया है, आप लोग को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। देखो स्टोर का नाम क्या है, स्टोर का मेन मार्केट कहाँ पर है, और ये पूरा ही आंसर इसके साथ ही दी हुई है। श्रीनाथ आंसर लिखोगे इसका, श्रीनाथ प्रोविजन स्टोर। Sunday
टेंशन दे, अच्छा लिखने का मेरे जरूरत नहीं, आप सबको आराम से आ ही जाएगा, पढ़ने को आता है तो लिखने भी आ ही जाएगा, अच्छा वरना आ जाएगा। ओके आज यहाँ तो मैं और आप कर रही हूँ, अभी मैंने लेसन सिक्स का एडजेक्टिव सीखा। नाउ एडजेक्टिव ऑफ एडजेक्टिव हमने पार्सेसिव बहुत सारे हो गया, ये तो रिविजन चल रहा है। एडजेक्टिव मतलब डिस्क्राइबिंग पार्ट्स, हाँ किसी का डिस्क्राइब। अब मैं थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल दे के जो भूल गए आपको उसको मैंने और थोड़ा अच्छा से कंप्लीट करा हूँ। ओके एक्सरसाइज एग्जाम्पल दे रही हूँ। ओके Peter is a fair boy. The man carries a heavy box. She has a black dog. Mary had a little lamb. Lazy boy is pale. Honey is sweet. Night is
lemons नहीं, आया लीज
देखना है, हैं इस तरह बोला। यहाँ काउंटिंग में भी एसी है, फोर बलून, उसके पास कितना बलून है, फोर बलून, तो फोर है उसके एडजेक्टिव नंबर में क्या है, मेरी है डे, लिटिल है, लिटिल है, लिटिल है उसके एडजेक्टिव, लेजी बॉय, बॉयज कैसे लेजी, हनी इज स्वीट, हनी कैसा स्वीट है, मीठा है, हैं। और नाइफ इज ब्लंट, नाइफ कैसे ब्लंट है, योरो क्रॉप ग्रीन ग्रास, हैं। देखो ऐसा हमें आप लोगों को बहुत अच्छा से लर्न करना भी है, देखना भी है और पढ़ना भी है, खाली देखना नहीं, देख के उसके साथ साथ हमें याद करना है, याद जितने याद रखोगे उतने जल्दी हम लोग आगे जा पाओगे। और पढ़ने का बहुत इजी, कौन से पे गलत है बोलो, कैट है यहाँ दिया, छोटी लैब हैवी बॉक्स कैसे है, आउट क्वेश्चन पूछो कैसे है हैवी, हैवी बॉक्स। और ब्लैक डॉग, डॉग का काला कैसे है, ब्लैक, बलून्स कितने हैं, फोर बलून्स, वहाँ देखो फायर इज हॉट, हॉट कैसे है, फायर के साथ आग, आग नाम है फायर और हॉट उसका डिस्क्राइब है, हाँ। तो आप लोगों को इजी पड़ेगा ना, इधर में रखो और अब बहुत अच्छा से सब लर्न करना है, ठीक है, ध्यान रखो। सिल्वर इज व्हाइट, आप लोग को वर्कशीट में दिया गया था, आधा स्टूडेंट के साथ रंग लिखे रखा, सिल्वर के कलर कैसा है, व्हाइट है, लेकिन व्हाइट अपने रंग लिखा, सिल्वर मालूम नहीं है और व्हाइट कलर का होता है आप लोगों को, हैं। रोजेस और रेड, रोजेस कैसा होता है, रोज फ्लावर व्हाइट कलर, रेड होता है क्या, माथे का बाल का कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है, ये तो ईजी, ये सब को भी तो बोलना नहीं होता है, लेकिन आप लोगों में सब रंग लिख के रख दिया, क्यों ऐसा तो नहीं होना चाहिए, नहीं। और नेक्स्ट देखो आइस, बर्फ क्या होता है, कोल्ड होता है, हैं, बर्फ कैसे कोल्ड होता है, और हमारे में आप लोग क्या लिखे सब गलत लिखा, योलो ट्रक, ट्रक के कोई भी कलर लिख सकते हो, रेड लिख सकते हो, योलो लिख सकते हो, ग्रास का कलर क्या होता है, ग्रीन, कोई लिखा ब्राउन, कोई व्हाइट, इस तरह लिख के रखो, इस तरह नहीं लिखना चाहिए। हनी इज स्वीट, हनी स्वीट, हनी मतलब मध, मध आप लोग खाते नहीं हो, तो ये इसमें सब गलत लिख रखा, एसेस है ग्राउंड या जैसेस मतलब गधा, एसेस एस नहीं बोलते एस, तो उसका क्या है, लॉन्ग याच, याच लॉन्ग है, बड़े बड़े होता है, लंबा ही होता है, एलिफेंट की तरह नहीं, एलिफेंट के पैर की तरह इतना नहीं होता है, हाँ। और दूसरा क्या था, हाँ लेजी बॉयज पे, वहाँ पे कोई स्पीच लिखा, कोई सवाल लिखा, इस तरह लिख के रखा, लेकिन वो फेल करता है, आलसी जो पढ़ते नहीं है कोई फेल होता है, खाली बॉयज नहीं गर्ल्स भी होता है, यहाँ बॉयज लिखा है इसलिए मैंने लिखा, लेकिन गर्ल्स भी फेल होता है, ध्यान में रख। और इसको जितने पढ़ोगे उतना ही अच्छा है, इसके साथ एक ऐसे आएगा, एक कॉम्प्रिहेंशन आएगा, हैं, हमेशा वर्कशीट में जो दिया जाएगा उसको अच्छा से आप लोगों को लर्न भी करना है और समझ के पढ़ना है, इंग्लिश को आप लोग समझ जाओगे तो कोई रॉन्ग नहीं होगा, एक भी रॉन्ग नहीं होगा। डिस्क्राइब नाउन, नेमिंग वर्ड्स, प्रोनाउन नाउन के बदले में बैठते हैं, बार बार ही, सी, दे, इट, ये सब होता है, नाम एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, एडजेक्टिव वर्ब होता है, ग्रीन वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स, हैं, एडवर्ब, एडवर्ब होता है, वर्ब के बदले में बार बार आगे पीछे बैठ के उसको सेंटेंस कंप्लीट करता है, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इफ, ऑफ, अंडर, नियर, ये सब प्रीपोजिशन, कॉन्जंक्शन मतलब जॉइनिंग वर्ड्स, जॉइन करता है सेंटेंस को, एक दो सेंटेंस आपके साथ में जॉइन करता है, तो आप लोग ये दिमाग में रखोगे, पार्शियल स्पीच किसको बोलते हैं तो इजी पड़ेगा।